नमस्कार, महुआ मोती चैनल में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो कहानी पढ़ने जा रही हूँ वो शायद शिवानी जी की बहुत जानी पहचानी, बहुत लोकप्रिय कहानी है ऐसा तो नहीं कह सकते, परंतु मेरे हिसाब से जो कलम तोड़ी है उन्होंने इस कहानी में, जिस तरह से उन्होंने बहुत ही सशक्त रूप में इस कहानी को गढ़ा है, उससे तो मुझे लगता है कि ये कहानी उनकी कुछ सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से होनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि हमेशा की तरह उनकी नायिका दुखी होती है, कुछ चीज़ें अप्राप्य रह जाती हैं और अंत में भी बहुत कुछ ऐसा सुखद नहीं घटता। और जैसा मैंने पहले भी कई बार कहा कि नारी भले ही उनकी कहानियों में बहुत दुखियारी लगती है, लेकिन एक तरह से उसका चरित्र बहुत ही सशक्त रूप में उभर कर आता है। वही बात आप आज की कहानी में भी देखेंगे। चांचरी का मतलब मैं ज़रूर बता सकती हूँ। चांचरी का मतलब होता है परी। और परियाँ कौन होती हैं? जिनकी बस हम कथाएँ सुनते हैं, जिनकी व्याख्याएँ सुनते हैं, पर ना उनको कभी देख पाते हैं ना छू पाते हैं, बस उनके प्रति हमारा एक आकर्षण हमेशा बना रहता है। तो हो सकता है आज की कहानी में भी चांचरी के दर्शन हो जाएं आपको, एक झलक तो मिल ही जाएगी। तो चलिए सुनते हैं कहानी चांचरी। और यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चांचरी। वो अपलक दृष्टि से उसे देख रही थी। इतने वर्षों बाद भी उसे देखकर वो नहीं चौंकी। महामाया का साक्षात पार्थिव विग्रह ही क्या सहसा अवतरित हो उसे सम्मोहित कर रहा था? वो अडिग भव्य मुद्रा में पूर्ववत खड़ी थी, शांत, निश्चल, अस्खलित, किसी अदृश्य प्रलयाग्नि की दीप्त प्रभा से उसकी मनोरम कांति रह रहकर दमक रही थी। श्रीनाथ को एक क्षण को लगा वो गिर पड़ेगा। उसका दृढ़ संकल्प विषम परिस्थिति से टकराकर चूर चूर हो गया। कोई दैवी शक्ति उसे जैसे हवा में उड़ाए जा रही थी। खुले केश जटाओं में उलझकर स्वयं एक वेणी में निबद्ध हो आगे लटके थे। कुमार संभव की कालिदास ने तपोनिरता पार्वती का ऐसा ही चित्र तो खींचा है। यथा प्रसन्न नैर मधुरम शिरोरुहैर जटाभिर प्येवम भूतदानम, यानी तपस्या रता पार्वती के सुंदर केश लटिया गए थे, फिर भी उनका मुख उतना ही मधुर दिखता था जितना संवारे केशों के साथ। केवल आंखें बदल गई थी। उस विकृत दृष्टि में अब न जिज्ञासा थी न कौतूहल। मनुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते भी हैं जब हृदय विवेचना शून्य हो वाणी को भी मूक बना देता है। श्रीनाथ के जीवन में भी आज शायद यही कठिन क्षण आ गया था जब पैरों तले की जमीन उसे प्रतिपल धरा में धंसा रही थी। घास फूस की उस पर्ण कुटी में कैसी अद्भुत शांति थी, कैसी निस्सीम शून्यता। फूस से हटाकर बनाई गई चौकोर खिड़की से आ रही ठंडी हवा के तीव्र झोंकों ने बिंदी के भगवा आंचल को क्या जानबूझकर ही विचलित कर दिया था कि देख श्रीनाथ, आंखें खोलकर देख, तूने कैसी मूर्खता कर इस रत्न को पल भर में गंवा दिया। इस आलमगीर इमारत की क्या एक भी ईंट खिसकी है पगले? प्रौढ़ा होने पर भी वो आज से 30 वर्ष पूर्व की वही कमनीय मूर्ति है। किसी भी पार्थिव संपर्क ने उसे आबद्ध नहीं किया है। वो तो जन्म से तपस्विनी ही थी मूर्ख, संसार में रहकर भी संसार से दूर। श्रीनाथ एक बार फिर गूंगा बना खड़ा रह गया। सचमुच ही जन्म तपस्विनी थी वो। उसका काम के प्रति यही शीतल मनोभाव तो श्रीनाथ को कभी पागल बना गया था।
इस यौवन कांत किशोरी को उसने पहली बार मझली भाभी के मायके में देखा था, वो भी ऐसे ही माँ लक्ष्मी के पूजन के दिन। भाभी के मामा केशव पंडित ही पूजा करवा रहे थे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम संसारार्णवतारिणी हरि प्रिये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी। पहले उसने पूजा कर रहे पिता के पीछे खड़ी बिंदी को नहीं देखा। पूरे कमरे में हवन का धुआं फैला था। सुगंधित पकवानों की थाल सजा रही मझली भाभी उसे देखते ही खिल गई थी। अरे तुम कब आए श्री, छुट्टियां हो गई क्या? छुट्टियां तो नहीं हुई, हड़ताल चल रही है, इसी से सोचा क्यों ना घर ही चला जाऊं। बैठो बैठो बिंदी, चाय बना तो ला जल्दी। और तभी उसकी दृष्टि बिंदी पर पड़ी। कैसा आश्चर्य था कि इतनी बार वो मझली भाभी के मायके आया, इससे पहले कभी नहीं देखा बिंदी को। हाँ सुना अवश्य था कि केशव पंडित की एक अपूर्व सुंदरी पुत्री है जिसे गांव के लोग चांचरी कहकर पुकारते हैं। सचमुच चांचरी यानी कि परी ही थी वो। उन दिनों पहाड़ में कुंवारी लड़कियां घेरदार सुत्तन और लंबा कुर्ता पहना करती थी। काली सुत्तन और लाल नेपाली छींट के लंबे कुर्ते में उसका गौर वर्ण और भी निखर आया था। वो उसे बार बार देख रहा था। मंजली भाभी ने चुटकी भी ली थी, कान के पास मुंह ले जाकर कहा, क्यों हो लाल जीव यानी देवर, हमारी चांचरी को देखकर रीझ गए क्या? कहो तो बात चलाऊं। रंगे हाथों पकड़े जाने पर चोर की जो दशा होती है वही दशा उस दिन उसकी भी हुई थी। उस दिन तो वो भाभी की चुटकी का उत्तर दिए बिना ही चला आया, पर गर्मी की छुट्टियों में घर आया तो उसने साहस कर स्वयं अपना दुस्साहसी प्रस्ताव भाभी के सामने रख ही दिया। दुस्साहसी इसलिए कि तब तक पहाड़ में किस पुत्र को ऐसा साहस हो सकता था कि स्वयं अपने मुंह से अपने रिश्ते की बात कहे। बड़ी देर कर दी श्री, भाभी ने एक लंबी सांस खींचकर कहा, मामा ने तो उसका रिश्ता पक्का कर दिया है, लड़का ओवरसियर है और पिता है पटवारी, दूध दही शहद की नदियां छलकती रहती हैं घर में, फिर न सास है और ननंद, राज करेगी हमारी चांचरी। श्रीनाथ सारी रात सो नहीं पाया था। साला ओवरसियर क्या खाकर उस हीरे को हथियाएगा, देख लेंगे हम भी। और सचमुच ही देख ही लिया उसने। घर भर से बैर मोल ले वो हीरे को हथिया तो लाया, पर उसकी चकाचौंध सह नहीं पाया। दो ही दिनों में उसे लगा कि बिंदी के रहस्यमय व्यक्तित्व में ऐसा कुछ अवश्य है जो सामान्य नारी से भिन्न है। एक तो वो बहुत कम बोलती थी, 4 महीने बीतने पर भी वो कभी अपने वाचाल सहचर के सम्मुख अपना हृदय खोलकर नहीं रख पाई थी। क्या बात है बिंदी, अपने घर की बहुत याद आ रही है क्या? उत्तर में वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखकर दृष्टि झुका लेती। तुम क्या मुझसे विवाह नहीं करना चाहती थी? फिर वही निर्लिप दृष्टि का व्यर्थ उत्तर। कभी कभी वो बौखला जाता था, क्या सचमुच ही किसी अदृश्य लोक से अवतरित चांचरी ही थी वो? यद्यपि उसकी सेवा में कहीं कोई त्रुटि नहीं रहती थी, किंतु वर्षों अनुभवी गृहिणी किसी उस दक्षता में कहीं आवेग नहीं था। क्या अधीर प्रणयी पति के उग्र प्रणय निवेदन ने ही उसे ऐसा सहमा दिया था, या वो पत्थर की ही तराशी गई निष्प्राण मूर्ति थी? उसकी इसी चुप्पी ने श्रीनाथ के प्रेम को और भी उत्कट बना दिया। अब वो उसे कभी कभी ऐसे व्यंग बाणों से बींधने लगा कि वो तिलमिला उठती। क्यों जी राजकन्या, ओवरसियर साहब बहुत याद आ रहे हैं क्या, या पटवारी की राजमहल की हुड़क सता रही है? शांत दृष्टि से उसे देखकर वो बिना कुछ उत्तर दिए ही बाहर चली जाती।
उसकी वही सहिष्णुता श्रीनाथ को और असहिष्णु बना जाती। बड़ी जेठानी जेठ विवाह निपटाते ही अपनी नौकरी पर मध्य प्रदेश चले गए थे। मंजली के पति बड़ौदा रहते थे, वो भी चली गई। घर में सास ससुर और वो ही दोनों रह गए थे। एक तो श्रीनाथ घर भर के विरोध को ताक पर रख अपने मन पसंद की बहू ले आया था, जिसके लिए उसकी माँ ने उसे कभी क्षमा नहीं किया था। संसार की कौन सी जननी भला पुत्र की अपनी मनपसंद बहू ले आने पर क्षमा कर पाती है? उस पर उसकी माँ कमला अपने कर्कश स्वभाव के लिए पूरी बिरादरी में यथेष्ट कुख्याति अर्जित कर चुकी थी। कोई नहीं मिलता तो हवा से ही लड़ती रहती। पिता ने भी उस विवाह का अंत तक विरोध किया। एक तो अभी तेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, उस पर कर्म कांडी ब्राह्मण की पुत्री ला रहा है, सोच समझ कर ही फैसला किया जाता है। बाप ने न जाने कितने घरों में प्रेत शैयाएं बटोरी होंगी, श्राद्ध तर्पण करवाया होगा, नाक ही कटवाने पर तुला है तो कटवा ले, हमसे क्यों पूछता है? पर श्रीनाथ भी टस से मस नहीं हुआ। उसकी एक ही बहन थी प्रेमा, वो भी उसके विवाह में नहीं आई, ना ही उसकी ससुराल से ही कोई आया। इसी से श्रीनाथ इतने घोर विरोध से ब्याह कर लाई उस अहंकारी बित्ते भर की लड़की के व्यवहार से क्षुब्ध हो उठा। किसी से मुंह खोलकर वो कुछ कह भी तो नहीं सकता था। रात को भी वो छुई मुई बनी जा रही बिंदी को जोर से बुरा भला नहीं कह पाता था। बगल का कमरा अम्मा बाबू का था, सुन लिया तो कहेंगे जा ठीक हुआ मर, भोग अपना किया और ला पुरोहित की बेटी। वो रात भर पिंजरे में बंद खूंखार शेर सा ही कमरे में चक्कर लगाते लगाते देखता। दोनों हाथ छाती पर धरे उसकी प्राण प्रिया दंतहीन भोले शिशु की सी ही गहन निद्रा में निमग्न है। न चाह न चिंता मनवा पेपर वाह। क्या वो छोकरी नहीं जानती घर भर की कैसी आतप दृष्टि झेलकर वो उसे अपने ग्रह की देहरी लंघा पाया है? किस मिट्टी की बनी थी वो? उसके पिता तो ऐसे नहीं थे। विदा के पूर्व दीन ब्राह्मण जमाता के पैरों पर ही गिर पड़ा था। तुम निश्चय ही देवता हो बेटा, नहीं तो क्या इस दरिद्र ब्राह्मण को ऐसे उबार लेते? कहां राजा भोज तुम और कहां मैं गंगू तेली? सिवाय कुश कन्या के मेरे पास है ही क्या? किंतु पिता की कृतज्ञ विनम्रता का शतांश भी वो अब तक उसकी अहंकारी पुत्री में नहीं खोज पाया था। कभी कभी तो अपनी विवशता पर उसे ऐसा क्रोध आता कि मन करता उठाकर उसे खिड़की से नीचे फेंक दे, टूट जाए दोनों टांगे और उसका अहंकार पल भर में चूर चूर हो जाए। उसके सोने के बाद ही वो कमरे में आती और उसके उठने से पहले ही गायब हो जाती। नहा धोकर घंटों ध्यान मग्ना पद्मासन में बैठी न जाने किन किन शत सहस्त्र मंत्रों का पाठ बुदबुदाती रहती। दिन प्रतिदिन माँ की बड़बड़ाहट कड़वी होती जा रही थी। अरे श्री, तेरी मीरा बाई की पूजा ध्यान मनन पर्व पूरा हुआ कि नहीं? कह दे तेरी चाय ले जाएं। कहां बहू चाय बनाकर हमें देती और कहां मैं साहब को चाय बनाकर भेज रही हूं। वो फिर बिना कुछ कहे चौके से चाय का प्याला लाकर श्रीनाथ को थमा देती। ऐसे ही क्षणों में कभी श्रीनाथ उसकी उदासीनता की प्राचीर को चीरता, हाथ पकड़ उसे अपने बिस्तर पर खींचने की चेष्टा करता तो वो झटके से हाथ छुड़ाकर फिर चौके में अदृश्य हो जाती। श्रीनाथ के जी में आता चौके से ही उसे खींचकर बिस्तर पर पटक दे और अपने पुष्ट बाहुपाश में खींच उसका समस्त अहंकार चूर चूर कर दे। पर उसे ऐसा करने का अधिकार ही अब कहां रह गया था? जानबूझकर ही तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी उसने।
कुछ तो होगा लड़की में जो गांव वाले उसे चांचरी कहते थे। आखिर क्या कमी थी उसमें? तीन भाइयों में वही सबसे व्यक्तित्व संपन्न था। अगले वर्ष वो इंजीनियर बन जाएगा, कैसी कैसी वेगवती धाराओं पर बांध निर्माण की कुशलता प्राप्त कर चुका था वो। ऊंची ऊंची इमारतों का अंग विन्यास उसके बाएं हाथ का खेल था। अचल मशीनों के बिगड़े कलपुर्जों को ठीक कर उन्हें सचल बनाने की क्षमता बिना किसी के सिखाए ही उसने बचपन में प्राप्त कर ली थी। भाइयों की बिगड़ गई कार हो या घर का सहसा निष्प्राण बन गया फ्रिज, घर का उड़ गया फ्यूज तो वो 10 ही वर्ष की उम्र में बना लेता था, किंतु एक सामान्य शिक्षित अहंकारी जिद्दी लड़की के दिमागी कलपुर्जों को ठीक करने में वो कितना असहाय बन गया था, कितना बेबस। उसके दोनों भाई उच्च पदों पर थे, दोनों भाभियां सुसंस्कृत संपन्न ग्रह से आई थी। पिता सार्वजनिक निर्माण विभाग के अवकाश प्राप्त चीफ इंजीनियर थे। प्रासादोपम कोठी थी, दोनों भाई छुट्टियों में अपनी अपनी कारों से आते, भतीजे भांजियां अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने वाले सलीकेदार सब विशिष्ट बच्चे थे। अम्मा के सनातनी चौके में भी अब उनके लिए अंडे उबलने लगे थे। वो आते तो बिना किसी आपत्ति के 10 बजे तक चिर पुरातन पहाड़ी लंच टाइम की घड़ी की सुई स्वयमेव दोपहर के 1 बजे की ओर घूम जाती थी। तब क्या यही परिवर्तित संस्कृति का आघात उस बेचारी को ऐसे सहमा रहा था, या इस घर की उच्च नागरिकता उसे हीन भावना से गुमसुम बनाती जा रही थी। इधर श्रीनाथ की छुट्टियां शेष होने को थी। अपने प्रस्थान का प्रसंग उसने कई बार सुनाया। उसने बड़ी ललक से पत्नी के कमनीय चेहरे की ओर देखा, शायद संभावित वियोग का अवसाद उस रहस्यमय चेहरे को विवर्ण कर दे, पर नहीं, वो सुनी कि अनसुनी कर फिर अपनी उसी आनंद मूर्छा में खो गई। मातृहीना विंध्यावासिनी पिता की इकलौती संतान थी। 16 वर्ष की आयु में जब उसने हाई स्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और आगे पढ़ने की जिद की तो पिता ने कहा था, बहुत पढ़ाई हो गई, अब तेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूं। अरे तुझे क्या नौकरी करनी है? इसी बीच श्रीनाथ का रिश्ता सहसा उसका जीर्ण छप्पर फाड़ कर टपक पड़ा तो कौन मूर्ख पिता भला ना कर सकता था। उस पर स्वयं उसकी भांजी ने जोरदार सिफारिश की थी, अरे आंखें बंद करके हाँ कर दो मामा, हमारे घर के पुरुष शराब तो दूर, सिगरेट पान तंबाकू भी नहीं छूते। वो तो हमारी बिंदी का भाग्य ही ऐसा था जो श्रीनाथ ने इसे स्वयं ही पसंद कर लिया। फिर एक प्रकार से चट मंगनी पट ब्याह ही हुआ था उसका। पुरोहित पिता ने यथासाध्य दहेज भी दिया था। वैसे तब पहाड़ की शादियों में दिया ही क्या जाता था, दामाद को जरीदार लाल दुशाला, रेशमी शॉल, बहुत हुआ तो एक घड़ी और एक अंगूठी। केशव पंडित ने पहली बार पहाड़ के नियमों को तोड़कर पिता के लिए भी एक दामी पश्मीना रख दिया था। उसके समृद्ध यजमानों ने उन्हें विवाह, जन्मोत्सव, उपनयन आदि अनुष्ठानों में बहुत कुछ दिया था, जिसे उन्होंने जन्म कृपण की निष्ठा से आज तक दांतों तले दबा इसी पुत्री के विवाह के लिए सेंत कर धरा था। जब पहाड़ के संपन्न ग्रहों में बाल विधवाओं का अभाव नहीं था, पूजा पाठ व्रत अनुष्ठानों में ही उनका अभिषिक्त जीवन व्यतीत होता था। ऐसे अनुष्ठानों में वो मुक्त हस्त से दान पुण्य किया करती थी और केशव पंडित ही थे उनमें सार्वजनिक लोकप्रिय पुरोहित। उनका भव्य व्यक्तित्व, तेजोमय चेहरा, सुस्पष्ट संस्कृत का उच्चारण, निर्लोभी स्वभाव उन्हें एक एक लक्ष वर्तिका में ही प्रचुर सुवर्ण दान से मंडित कर जाता।
पुत्री के विवाह में केशव पंडित ने अपना यही संचित सुवर्ण कोश लुटा कर रख दिया था, किंतु फिर भी समधियाने में वो अपनी विजय पताका नहीं फहरा पाए। भाड़ में जाए समधी दामाद तो लाखों में एक मिला था, किंतु वो जो एक दिन स्वयं उनके द्वार पर उनकी पुत्री का हाथ मांगने दीनहीन याचक बना गिड़गिड़ा उठा था, वो भी अचानक ऐसे पैंतरा बदल लेगा, इसका उन्हें स्वप्न में भी आभास नहीं था। विवाह को 5 महीने बीत गए और बेटी एक बार भी मायके नहीं आई। पर नहीं आई इसका अर्थ ही था कि वो अपने नए घर में सुखी है और अपने नए सुख में पिता को भूल बिसर गई है। इससे बड़ा सुख और किसी पिता के लिए हो ही क्या सकता था। फिर एक दिन अचानक बिंदी सूखा विवर्ण चेहरा और रूखे बाल फैलाए उनके द्वार पर आकर खड़ी हो गई। न साथ में कोई आत्मीय था न नौकर। सरल ब्राह्मण मन ही मन कांप उठा। शनिवार के दिन भी पितृ विसर्जनी अमावस्या, भला ऐसे मनहूस दिन ससुराल वालों ने उन्हें बिना कुछ कहे भेज कैसे दिया। न साथ में सामान था न तन पर गहने। निश्चय ही लड़की ससुराल से भाग कर चली आई थी। क्या हुआ बेटी, तू कैसे आ गई? उन्होंने सशंकित दृष्टि से उसे सिर से पैर तक देखा। दोनों आंखों के पपोटे सूखे थे, जैसे रात भर रोई हो। सूखे ओठों पर पपड़ियां जमी थीं। बिंदी, चल भीतर, कोई देख लेगा तो 10 बातें होंगी। इधर उधर देख के वो उसे एक प्रकार से हाथ पकड़ ही भीतर खींच लाए और कुंडी चढ़ा दी। तू बैठ, मैं चाय बना लाऊं, गला तर कर फिर बातें करेंगे। हाथ की पूजा की पुस्तकों को पलंग पर पटक वो चाय बनाने चले। लड़की को चाय का ग्लास थमा वो फिर पांडे जी के पितरों को विदा करने चले गए थे। कुछ सोचकर उन्होंने फिर पलटकर दरवाजे पर ताला लगा दिया था। कहीं उन्हें आने में विलंब होते देख स्वयं यजमान उन्हें बुलाने न टपक पड़े। लौट कर आए तो देखा पुत्री चित्रांकित मुद्रा में वैसे ही बैठी है जैसे उसे छोड़ आए थे। चाय का ग्लास बिना पिए ही उसने दूर खिसका दिया था। केशव पंडित का गला बिना कुछ पूछे ही बुरी आशंका से अवरुद्ध हो गया। निश्चय ही लड़की ने कहीं गहरी चोट खाई थी। पुत्री का गहन वेदना सिक्त चेहरा देख उनका कलेजा जैसे किसी ने मरोड़ दिया। काश आज उसकी मां होती। बिंदु, बिंदी, क्या बात है बेटी, अपने बाप को भी नहीं बताएगी? क्या समधी जी को हमारे लेन देन में कोई असंतोष है? इस बार अपनी निर्भीक दृष्टि उसने पिता के विवर्ण चेहरे पर निबद्ध कर दी। बाबू, मैं अब वहां कभी नहीं जाऊंगी। कोशी में कूद कर प्राण दे दूंगी बाबू, पर वहां नहीं जाऊंगी। उसकी दृढ़ता निरीह पिता को कपा गई। पुत्री के मुंह से निकला प्रत्येक वाक्य ब्रह्म वाक्य होता है, वो ये जानते थे। आप जानते हैं मैं ऐसे क्यों चली आई? केशव पंडित निरुत्तर ही बैठे रहे। उन्होंने मुझ पर चोरी का लांछन लगाया बाबू। मुझे कुछ कह लेते पर सबके सामने तुम्हें बुरा भला कहा। मुझे? पर मैंने क्या किया? कहने लगे कि तुमने अपनी भांजी से साठ गांठ कर तंत्र मंत्र के पुरस्चरण से उनके बेटे को फंसा लिया। तुमने श्राद्ध तर्पण कर जीवन भर मरघट का माल बटोरा है। इसी से चोर बाप की चोर बेटी ने हमारी ही बेटी के गहनों में सेंध लगा दी। चोरी? और तू? सरल धर्म भीरु ब्राह्मण की ईमानदार सफेद मूछें अविश्वास से कांप उठी। उनकी इस गाय से निरीह बेटी को चोर बनाया उन्होंने, जिसने बाप की अनुमति के बिना भूखी रहने पर भी कभी कटोर दान से रोटी तक निकाल कर नहीं खाई, वो चोर? हाँ बाबू, पिछले हफ्ते मेरी ननंद प्रेमा बंबई से आई। पता नहीं क्यों आने के दिन से ही मुझसे फूली रही, बात भी नहीं की। आते ही अपने भाई पर बरस पड़ी।
और कोई नहीं मिली जो भिखारी ब्राह्मण की बेटी को प्यार लाया। मेरे ससुर कह रहे थे जब उनके बड़े बेटे की अकाल मृत्यु हुई तो इन्हीं को खर्चा भेजकर बंबई बुलाया था। ये ही तो हैं हमारे पुरोहित। कश्मीरी शॉल, कपड़े, सोना और कितना कुछ बटोर कर ले गए थे। अब क्या हम बराती बन उन्हीं के दरवाजे रोली का तिलक लगवा शगुन के लिए हाथ फैला सकते हैं? मुझे तो लगता है श्री बाबू को जो पश्मीना दिया है उन्होंने, वो भी हमारे ही घर की प्रेत शैया का दान होगा। मैं सब सुनती रही बाबू, कुछ भी नहीं बोली। गुस्सा तो तब आया जब ये सिर झुकाए सब सुनते रहे, जैसे सचमुच ही इन्होंने अपराध किया हो। फिर दूसरे ही दिन प्रेमा ने रोध होकर सारा घर सर पर उठा लिया कि उसकी सतलड़ी झुमके और पाजेब की पोटली किसी ने उसके सूटकेस से निकाल ली है। घर में और था ही कौन, सास ससुर प्रेमा ये और मैं। नौकर छुट्टी पर चला गया था, वो भी प्रेमा के आने से दो दिन पहले। पूरे घर की तलाशी ली गई और मेरे खुले बक्से में मेरे कपड़ों के बीच से अपनी पोटली लटकाकर प्रेमा ने अपने भाई के पैरों पर पटक दी। ले दे अपने ससुर को। अरे इतना ही रीझी थी मेरे गहनों पर तो मुंह खोलकर मुझसे मांग लेती। मेरे पास क्या गहनों की कमी थी? छी छी, थू पड़े ऐसे नियत पर। बाबूजी मेरा टिकट खरीद लाइए, अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रहूंगी। मैं उस धूर्त लड़की की हाथ की सफाई देखकर दंग थी, गूंगी बन गई थी। बाबू उसका गला रुंध गया। अभी अभी तो मैं कमरे से गई थी, कब जाकर वो पोटली छिपाई मैं चुराती तो क्या बक्सा खुला ही छोड़ाती। ये कहने लगे अब बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों हो? सच हो तो कह दो कि तुमने पोटली नहीं छिपाई। मैं क्या कहती बाबू, ऐसे व्यर्थ लांछन का क्या उत्तर देती? मैं एक शब्द भी नहीं बोली। इन्होंने सबके सामने मुझे बाहर धकेल दिया और कहा जा अपने भिखारी बाप के पास, खबरदार जो कभी इस घर की देहरी लांगी, ये शरीफों का घर है। रुक जा, ये शॉल भी लेती जा। मेरे ससुर ने तुम्हारा दिया पश्मीना मेरे मुंह पर पटक दिया। अपने बाप से कहना रख ले, घाट जाने में काम आएगा। ऐसे अशौच का दान वो लेते होंगे, हम नहीं लेते। मैंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा बापू, 3 मील पैदल चलकर भी मैं बस नहीं पकड़ पाई। एक लकड़ी से लदा ट्रक पिथौरागढ़ जा रहा था, उसकी दयालु सरदार ड्राइवर ने यहां तक पहुंचा दिया। केशव पंडित ने पुत्री के अश्रुसिक्त चेहरे को दोनों हाथों में भरकर शांत स्वर में कहा अभी तेरा बाप जिंदा है बिंदी, तुझे पाल सकता हूं मैं, तुझे पढ़ा लिखा कर तेरे पैरों पर खड़े करने की हिम्मत है मुझ में, पर अब मैं यहां नहीं रहूंगी बाबू। 2-4 ही दिन में उनका उगला जहर यहां भी फैल जाएगा, न आप मुंह दिखाने लायक रह जाएंगे न मैं, हमारा विश्वास ही कौन करेगा? वो समर्थ हैं, बड़े आदमी हैं, उनकी सब सुनेंगे, हमारी कौन सुनेगा? सुनेगा बिंदी, अवश्य सुनेगा, वो सुनेगा जिसकी मैंने जीवन भर सेवा की है, वो सुनेगा जिसकी अदालत में झूठी गवाही नहीं चलती। बिंदी की आशंका व्यर्थ नहीं थी। तीसरे दिन ही इष्ट मित्रों के कौतूहली दृष्टि के अंकुश बाप बेटी को बींधने लगे। कुछ ने विश्वास किया, कुछ ने नहीं, पर केशव पंडित ने स्वयं ही अपनी चुप्पी में अपने को समेट लिया। फिर एक दिन बिन बताए पिता पुत्री घर में ताला डालकर कहीं चले गए। बहुत दिनों बाद मंजली को मामा का पत्र मिला था, बिंदी को वो आगे पढ़ाना चाहते थे, पर वो किसी भी शर्त पर पढ़ने को राजी नहीं हुई। हार कर वो हरिद्वार चले आए, वहां अब भी उनके कई समृद्ध गुजराती यजमान थे। उन्हीं ने कुशावर्त घाट के पास एक धर्मशाला में बाप बेटी के रहने का प्रबंध कर दिया है। जीवन के बचे खुचे दिन अब पुण्य सलीला भागीरथी के तट पर ही काट लेंगे। पर मेरे बाद इस अभागिन का क्या होगा,
बेटी, वही चिंता मुझे खाए जा रही है। तीसरे वर्ष फिर मंजलि को बिंदी ने ही पिता की मृत्यु का समाचार दिया था। मैं भी बहुत दूर जा रही हूं दीदी, मुझे ढूंढने की चेष्टा कभी मत करना। मंजलि का चित्त खिन्न हो गया था। देखा जाए तो एक प्रकार से वही जिद कर उसे देवरानी बनाकर लाई थी, पर वो अब कर ही क्या सकती थी। सास ससुर श्रीनाथ, यहां तक कि स्वयं उसके पति भी बिंदी का नाम भी नहीं सुनना चाहते थे। अपराध न किया होता तो क्या बाप बेटी ऐसे ही चोरों की तरह मुंह छिपाकर भागते? उसके पति ने ही तो कहा था। बरसों बीत गए। श्रीनाथ के माता पिता जब तक जीवित रहे उससे दूसरा विवाह करने के लिए बार बार कहते रहे। बहन प्रेमा ने तो एक बार अपने एक कॉन्वेंट शिक्षित सहेली की चचेरी बहन से रिश्ता भी लगभग पक्का कर दिया था, पर श्रीनाथ ने विवाह नहीं किया। कहीं न कहीं उसके शंकित चित्त में छिपा संशय भुजंग बीच बीच में उसे डसता रहता। क्या वो सीधी भोली लड़की उसकी बहन का गहना चुरा सकती थी? अपनी बहन को क्या वो नहीं जानता था? झूठी चुगली खाने की तो उसे बचपन से ही आदत थी। कभी नौकरों के विरुद्ध झूठी सच्ची लगाकर माँ के कान भरती, कभी भाभियों के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती। अंत तक श्रीनाथ को यही उम्मीद थी कि एक न एक दिन बिंदी स्वयं लौट आएगी। अपने पौरुष, पिता के वैभव और अपनी योग्यता पर उसे शायद आवश्यकता से कुछ अधिक ही भरोसा था। पढ़ाई समाप्त करते ही एक प्रख्यात कंपनी ने वहीं उसका स्वयंवरी चयन कर लिया और फिर तो आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारत की समृद्धि से जी उबने लगा तो वो अमेरिका चला गया। 7 वर्ष के प्रवास ने उसे ऐश्वर्य मंडित ही नहीं किया, अनुभव समृद्ध भी कर दिया। इसी बीच एक करोड़पति पति परित्यक्ता प्रौढ़ा से उसका परिचय हुआ और देखते ही देखते वो परिचय प्रगाढ़ साहचर्य की डोर में बांध उसे उसके विशाल कासल में खींच ले गया। जितना वेतन वो पाता था उतना तो वो अपने सेक्रेटरी को देती थी। तुम भी मेरे सेक्रेटरी बन सकते हो, एक सेक्रेटरी से मेरा अब काम नहीं चलता। वयस में उसकी नवीन स्वामिनी उससे दूनी थी, किंतु नाना बैसाखियों से टिके उस गत यौवना के अस्ताचलगामी प्रखर रौद्र सौंदर्य की मारीचिका में बेचारा भटक कर रह गया था। निकट से देखने पर भी उसकी सांवरी देह दृष्टि, अनुभवी पारखी आंखों को छलने में पूर्ण रूप से समर्थ थी। धीरे धीरे वो मायाविनी उसे एक से एक दामी उपहारों से लादती, प्रेम की ऐसी ऐसी मनोहारी अली गलियों में खींच ले गई कि वो उसका दासानुदास बन गया। 20 कमरों का कासल, जंगी जहाज सब विलास की आधुनिकतम सज्जा में सवरा बजरा, जयपुर से मंगवाए गए संगमरमर का पटा स्विमिंग पूल, दीर्घांगी कारें, हिनहिनाते असंख्य चेतकों से भरा स्टेबल और बहुमूल्य दुर्लभ डिनर सेट जिसकी रूपाब आभा को वो अपने हाथों से चमकाती थी। धीरे धीरे रिमोट कंट्रोल से ग्रह के द्वार ही नहीं, स्वयं ग्रहस्वामी भी संचालित होने लगा। भले ही विवाह ना हुआ हो, ग्रहस्वामी तो वो बन ही चुका था। पर फिर कहते हैं ना कि एक ना एक दिन सुखद से सुखद परिस्थिति का भी अवसान अवश्यंभावी होता है। ऐसी ही एक रात को उसके दुष्ट ग्रहों ने अपना कुचक्र आरंभ कर दिया। आधी रात को वो बिना प्रेयसी को सूचित किए लौटा तो देखा साज सज्जा विहीना विवसना उसकी प्रिया पलंग पर ही औंधी पड़ी है। शायद देर तक कोई पार्टी चली थी, बत्ती जलाने पर भी वो नहीं जगी। उसके ध्रुपदी खर्राटे सुन वो झल्ला उठा। जाहिर था कि मदालसा ने जी भर कर चढ़ाई थी। विरक्ति से श्रीनाथ का रोम रोम सिहर उठा। आज पहली बार उसे डेंचर विहीना देख रहा था। उस पोपले मुंह का खुला गहवर उसे किसी दानव का गुहा द्वार सा लगा। बचपन में मां से सुनी वो कहानी याद हो आई
जब काया कल्प कर कोई विभत्स चुड़ैल पल भर में सुंदरी बन किसी राजा को रिझा उसकी पटरानी बन बैठती थी। और फिर एक दिन आधी रात को राजा अचानक देखता है वो असावधानी वश उसकी अनुपस्थिति में पुनः अपने कदर कलेवर में लौट आई है। श्रीनाथ फिर एक पल भी वहां नहीं रुका, उसके लिए समस्त उपहार वहीं छोड़ केवल अपना वही सूटकेस लेकर तीर सा निकल गया था जिसे लेकर 3 वर्ष पूर्व यहां आया था। यद्यपि कायर की भांति वो ऐसे भागना नहीं चाहता था, वो होश में होती तो शायद वो उसे कहकर ही जाता, पर अब उसे न उसकी चिंता थी न पश्चाताप। उस समृद्ध सिंगिका के लिए कभी भी गबरू जवानों का अभाव नहीं हो सकता था। मुंह खोलते ही तो एक से एक सजीला प्रणयी स्वेच्छा से उस दंतहीन गहवर में टपक पड़ेगा। चिंता तो उसे उसकी थी जिसे उसने अकारण ही दंडित कर एक ही झूठे साक्षी की गवाही सुन 30 वर्ष का वनवास दे दिया था। पश्चाताप की अदृश्य आग्नेय लपटे तो उसे अब उसके लिए पल पल झुलसा रही थी जिसकी करुण असहाय दृष्टि ने एक बार भी दया की गुहार नहीं लगाई थी। नौकरी की उसे चिंता नहीं थी, भारत जाते ही ऊंची से ऊंची मल्टीनेशनल कंपनी भी उसे हाथों ही हाथों में उछाल लेगी। विदेश का अनुभव स्वयं उसके व्यक्तित्व का ठसका क्या कुछ कम था? जन्मजात एग्जीक्यूटिव ही तो था वह। सीधे पहुंचा मजले दद्दा के पास बंबई। मंजली ही उसे उसका पता दे सकती थी जिसके चरणों में पछाड़ खाकर क्षमा मांगने वो कुबेर का छत्र त्याग इतनी दूर चला आया था। बड़ी देर कर दी श्रीनाथ, मंजली ने एक लंबी सांस खींचकर कहा तो वो कांप उठा। अब वो तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर चली गई है। तब क्या वो जीवित नहीं रही? श्रीनाथ का हथपिंड घड़ी के पेंडुलम सा हिल गया। मुंह खोलकर कुछ पूछने का भी साहस नहीं हुआ उसे। फिर मंजली ने ही कहा, हाँ श्री, अब वो हमारे लिए नहीं रही। संसार में है भी और नहीं भी। क्या पहेली बुझा रही हो भाभी, साफ साफ कहो ना। तब सुनो, तुमने उसे ढूंढ भी लिया तो वो तुमसे बात नहीं कर सकती। वो अब बिंदी नहीं रही, सिद्धि माई है, मौन व्रत धारिणी, साक्षात योग माया, किसी से नहीं मिलती। संध्या को एक बार भक्तों को दर्शन देने बाहर निकलती है, मैं भी वहीं मिली थी। तुम्हें पहचाना? अरे पहचानती कैसे नहीं, कुछ कहा? कहती कैसे, कहा ना मैंने, वर्षों पूर्व उसने मौन व्रत ले लिया है। मामा जी के मरने के बाद वर्षों तक मैं उसका पता नहीं लगा पाई। कभी सुनती मायावती आश्रम में चली गई है, कभी आनंदमयी के आश्रम में, फिर ऋषिकेश के किसी पर्वत गुहा में गहन साधना में लीन रही। फिर उसके एक भक्त ने ही उसका पता दिया था और तुम्हारे भाई से लड़ झगड़ मैं अकेले ही उसे खोजने चली गई थी। तुम्हें देखकर कुछ बोली भी नहीं? फिर वही, बोलती कैसे। हाँ हंसी जरूर थी, पर कैसी हंसी थी, बाप रे बाप, लगा उस हंसी ने मुझे बर्फ की सिल्ली से दबा कर रख दिया है। सिर से पैर तक एक एक शिरा झनझना उठी थी। भाभी से पता लेकर वो दूसरे ही दिन वर्षों से रूठी इष्ट मूर्ति को मनाने चल पड़ा था। इस बार दुर्धर्ष उग्र देवी को पराजित करने उसने अपने एक एक आयुध को सान में धरकर परख लिया था। 100% खांटी एग्जीक्यूटिव ने अपने जिरा बख्तर का एक एक कलपुर्जा बड़े यत्न से संवारा था। जिस ईर्ष्णीय श्रेणी से वो अंतर्भुक्त था उसके मान की रक्षा करना अब तक उसका स्वभाव बन चुका था। उसके इस पद के लाइफस्टाइल का एक व्यापक विशिष्ट जनग्राह्य रूप है ये वो जान गया था। मिडनाइट ब्लू विदेशी सूट के नीचे उसकी मार्क एंड स्पेंसर की हल्के नीले पिन स्ट्राइप की कमीज, सुनिपुण हाथों से बंधी बूटीदार टाई,
जो उसके पास पूर्व प्रेयसी का एकमात्र स्मृति चिन्ह रह गई थी। हाथ की ओमेगा घड़ी जो उसकी पुष्ट कलाई पर बंधी उसके लाख टके के व्यक्तित्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। लाल रंग का विशिष्ट ब्रीफ केस जिसकी नंबरों की प्रहेलिका केवल स्वामी ही सुलझाकर उसे खोल सकता था, और ओंठों से लगे उसके प्रिय सिगरेट रोस्टेड टोबैको का मदिर कड़वा धुआं छोड़ती मालबरो। नवजात शिशु के दूधिया नितंबों से कोमल कपोलों को उसने सुगंधित आफ्टर शेव की पिचकारी से सिक्त किया तो दोनों गाल उस विदेशी अगरू चंदन की शीतल फुहार से सनसना उठे। फिर उसने ओडी कोलोन की कई शीशियां निकालकर मेज पर बिखेर दी। कौन सा लगा है आज? इंग्लैंड के प्राचीन घराने की समस्त विश्व को सुरभित करने में समर्थ वुड्स ऑफ विंसर, या फ्रांस की प्रसिद्ध रोजे गॉले, या फिर पश्चिमी जर्मनी की प्रसिद्ध 4711? उसने कुछ सोचकर वुड्स ऑफ विंसर ही उठा ली। इस सुगंध में ही तो उसे सदा पहाड़ के देवदार, चीड़, बांज, अयार की बयार का आभास होता था, ठीक जैसे कौसानी के वन अरण्य में पहुंच गया हो। नहीं, क्रिस्टन डियोर की जूल की मादक सुगंध ही आज पंचशर को समर्थ बनाएगी। पूरे कमरे में मधुर सुगंध ओना कोना महकाती मंडराने लगी। वो स्वयं अपनी ही देह गंध से विभोर हो मृद मद से मस्त मृग सा ही झूम उठा। होंठों पर एक विचित्र स्मित तिर उठा। उसे लगा एक बार फिर नौशा बन बैठा है, और दोनों भाभियां पिसे विस्वार यानी चावल का आटा से उसके ललाट पर बुंदकियां धर रही हैं। साथ में चल रही चूहल उसे नए जोश, नई उमंग, अधीर प्रणय कामना से कैसे उल्लसित कर रही थी। हल्दी पोती बड़ी भाभी ने कहा था, अरे मजली, इसके सांवले चेहरे पर जमकर हल्दी पोत देना आज, नहीं तो कन्या पक्ष के गाने इसका भुरता बना देंगे। बाबा हम गोरी वर सांवरो। तीनों भाइयों में से एक वही सांवला था, पर उसी सांवले रंग पर तो वो विदेशिनी रीझी थी। कहती थी, कोबरा की पीठ सी चमकती है तुम्हारी नंगी पीठ डार्लिंग। आज भी उसका पौरुष उतना ही दर्शनीय, उतना ही सम्मोहक था। कठोर से कठोर नारी उसकी अवमानना नहीं कर पाएगी। फिर भी दर्पण में बार बार अपना प्रतिबिंब देखकर भी उसे न जाने कैसे भय हो रहा था। वो हारने जा रहा था या हराने? दुर्बल हृदय को थोड़ा सहारा देना ही होगा। संध्या को वो अमूमन स्कॉच ही लिया करता था, पर क्या ऐसी पवित्र स्थली में ऐसा तामसी पेय घुटक कर जाना ठीक होगा? पर इस भीरू हृदय कपोत को तो साधना ही होगा, नहीं तो वो सब कैसे कह पाएगा जिसे कहने सात समुन्दर पार कर यहाँ आया था। एक ही घूंट में ग्लास खाली कर वो होटल के कमरे में ताला डालकर बाहर निकल आया। बार बार सूट की धूल झाड़ता, कंघी से बाल सवारता, वो अता पता ढूंढता पहुंच ही गया था। धर्मशाला से ही संलग्न वो छोटा सा आश्रम सघन वृक्षों से घिरा था। मर्दानी वैष्णवी उसे देखते ही बढ़ाई, क्या है, संध्या से पहले यहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, नहीं जानते क्या? मुझे विंध्यवासिनी देवी से मिलना है, उसने रौबीले स्वर में कहा। तो यहाँ क्यों आए हो, मिर्जापुर जाओ, जानते नहीं वहीं तो विंध्यवासिनी का मंदिर है। वो फिर बड़ी अवज्ञा से हंसकर जाने को उद्यत हुई। सुनिए, मुझे उनसे जरूरी काम है। किससे? विंध्यवासिनी देवी से। अरे बाबा, माथाए दोष ना की रे तोर, पागल है क्या रे तू? वो बंगाली थी किंतु देखने में जाटनी लग रही थी, हष्ट पुष्ट, ताड़ सी लंबी। हम बोला ना बाबा, यहाँ कोई विंध्यवासिनी नहीं रहता, ये सिद्ध माँ का आश्रम है। हाँ हाँ, उन्हीं से मिलना है। वो बड़ी ललक से दो कदम बढ़ा ही था कि वैष्णवी ने डपट दिया,
ओहे खैपा दूरे था कामी एखुनी स्नान करो ची। अरे पागल दूर हट, मैं अभी नहाई हूँ। यकीन मानिए मैं बड़ी दूर से आया हूँ, उनसे कुछ बात करनी है। बात? वो सिर पीछे कर जोर से हंसी और उसके खुले मुंह में कतार की कतार में सोने से बंधे दांत विद्युत से चमक उठे। उनसे मिलने आया है और इतना भी नहीं जानता कि माँ किसी से बात नहीं करती? 10 साल से मौन व्रत लिया है उन्होंने। हार कर वो सजा सवरा एग्जीक्यूटिव फिर घंटों संध्या की प्रतीक्षा में यूकलिप्टस के लंबे वृक्ष से पीठ साधे बैठा रहा। संध्या को भक्तों को दर्शन देने नित्य बाहर निकलती हैं, यही कहा था भाभी ने। देखते ही देखते संध्या घनीभूत हुई और भक्तों की भीड़ ने आश्रम का प्रांगण घेर लिया। वो भीड़ को ठेलता सबसे आगे की पंक्ति में बैठ गया। वही स्वर्ण दंती मर्दानी वैष्णवी फिर मिट्टी की बनी वेदी पर एक कुशासन बिछा गई। भक्तों की भीड़ में सहसा आवेग का आलोड़न हुआ, ठीक जैसे किसी प्लेटफॉर्म पर बहुप्रतीक्षित ट्रेन की संभावित आगमनी पर होता है। स्वर्ण दंती वैष्णवी एक बार फिर मंच पर आकर खड़ी हो गई। आप लोग शांत होकर बैठिए, माँ पधार रही हैं। क्षण भर पूर्व की चिड़ियों सी चहकती भीड़ में सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा कि सुई तो सुई तिनका भी टपकता तो शायद खन बनकर गरजता। वो आई और बिना दाएं बाएं देखे आंखें बंद कर पद्मासन में वेदी पर बैठ गई। मोटी भगवा साड़ी ही उसका एकमात्र परिधान था। खुले केश, शांत दमकते सूर्य से उज्जवल चेहरे पर न भाव प्रवणता, न आवेग, न उद्वेग। सहसा उसने आंखें खोली। श्रीनाथ को लगा कि वो बिंदी नहीं, हाई पावर का विद्युत स्पंदित कोई नंगा तार ही उसके सामने झूल रहा है। छू भी गया तो प्राण हर लेगा। कभी इन्हीं तेजो दीप्त कोमल कपोलों पर उसके दंत क्षत उभरे थे, कभी इसी जटा बन गई वेणी को उसने हाथ में ले लेकर सहलाया था। इस शुभ्र ललाट पर जहां अब भस्म का टीका लगा था, उसी ने अपने हाथ से सिंदूर का टीका लगाया था। आज ये खूनी मांग जो वन अरण्य की पगडंडी सी मानव पद चिन्ह विरहित सुनी पड़ी है, उसमें सिंदूर की प्रथम प्रगाढ़ रेखा उसी ने तो आंजी थी, और ये किसी क्षत्राणी के से सुडौल स्कंदद्वय, उन्हें भी तो उसी के जल्लाद हाथों ने पकड़कर अपनी देहरी से बाहर किया था। फिर आज खाट खाट का पानी पीकर वो किस दुस्साहस से यहां चला आया था। अब छूकर देख तो ले इन कपोलों को, सहला तो ले उसकी उलझी लटों को। मूर्ख श्रीनाथ, तेरे हस्ताक्षर इस ललाट और इस मांग से तू स्वयं अपने ही हाथों से मिटा चुका है। क्या लेने आया है यहां? खाक? उसका अंतःकरण उसे चाबुक पर चाबुक मारे जा रहा था। सहसा स्वर्ण दंती वैष्णवी जो संभवतः आश्रम की हेड संतनी थी ने मधुर स्वर में लक्ष्मी वंदना आरंभ करी। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम संसारणवतारिणी। वर्षों पूर्व की स्मित श्रीनाथ को पागल बना गई। पिता के पीछे खड़ी किशोरी बिंदी और आज सर से पैर तक बदल गई सिद्धि माँ। पूजा शेष हुई, फिर हंसती हुई माँ एक एक कर भक्तों की ओर प्रसाद के फल उछालने लगी। एक से मंत्र मुग्ध शंख चूर्ण भुजंग बने श्रीनाथ की गोद में गिर गया। एक पल को दाता और भिक्षुक की आंखें चार हुईं। वो हंसी? ठीक कहा था भाभी ने, मुझे लगा उसकी हंसी ने मुझे बर्फ की सिल्ली में दबा दिया। श्रीनाथ का अहम फिर उद्धत हुआ, शंखचूर्ण भुजंग ने फन उठाया। देख देख मेरा ऐश्वर्य, मेरी सज्जा, मेरा दर्शनीय व्यक्तित्व। देख बिंदी, देख तूने क्या गंवा दिया। इस बार वो जैसे हृदय की भाषा पढ़कर आंखों ही आंखों में उत्तर दे रही थी, पर ये तो उत्तर नहीं,
जैसे अमोघ विलंबित विष था, जो देखते ही देखते उसके पूरे शरीर में फैल उसके अहम के औदात्त आत्मविश्वास ऊंचे पद को डसकर अवश बना रहा था। अब आप लोग स्वग्रहों को प्रस्थान करें, माँ की पूजा का समय हो रहा है। स्वर्ण दंती ने हाथ जोड़कर कहा और देखते ही देखते आज्ञाकारी भक्तों की भीड़ छट गई। माँ उठकर भीतर चली गई। नहीं गया श्रीनाथ, उसी यूकलिप्टस के तने से पीठ सटाकर वो बैठ गया। दूर दूर तक प्रदीपों की कतार जगमगाने लगी थी। कुछ कुछ दिए टिमटिमाए, कुछ बुझे, कुछ जलते रहे, पर वो नहीं उठा। अचानक स्वर्ण दंती वैष्णवी थाली भर जलते दिए बरामदे में रखकर आई और उसे देखते ही भुनभुना उठी। ये क्या, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? प्रसाद नहीं मिला क्या? मिल गया। तब जानते नहीं आश्रम में दर्शन के बाद कोई नहीं रुक सकता? मुझे उनसे मिलना है। मिलना है? उसी के स्वर की नकल कर वो कठोर स्वर में कहने लगी, कितनी बार हम समझाया रे बाबा, माँ किसी से नहीं मिलती, मुझसे मिलेगी। उसका दृढ़ आत्मविश्वासी उत्तर सुनकर वो मर्दानी वैष्णवी भी अवाक खड़ी रह गई। जाओ, जाकर कहो श्रीनाथ आए हैं। नहीं कहा तो ये समझ लो कि जब उन्हें पता चलेगा तुमने मुझे उनसे नहीं मिलने दिया तो तुम्हारी शामत आएगी। इस बार वो निर्भीक वैष्णवी भी सहम गई। कौन हो सकता था ये? माँ का कोई विशेष प्रिय भक्त या निकट का कोई आत्मीय? वो बड़बड़ाती भीतर गई और उल्टे पैर लौट कर आई। चलो, बुला रही हैं। उसका व्यंगात्मक कंठ स्वर क्रमशः प्रगाढ़ हो रहे अंधकार में विष बुझे तीर सा सनसनाया। वो उस छोटे से कमरे में अकेली खड़ी थी, जिसकी वाणी की प्रगल्भता, अभिजात अनुभव, उन कैसे कैसे दिग्गज विदेशी शूरवीरों की विदग्ध गोष्ठियों में सदा अजेय बना देते थे, वो सहसा गूंगा बन गया। वो उसे उसी शांत स्निग्ध निरुद्वेग दृष्टि से देखती जा रही थी और वह प्रतिपल जलती नन्ही मोमबत्ती सा विगलित होता जा रहा था। उसकी पहली अस्फुट याचना शायद वो सुन नहीं पाई, वो खड़ी ही रही। अचानक स्वर्ण दंती एक कुशासन बिछाकर उसे एक स्लेट थमा गई। बैठिए और जो पूछना हो चटपट स्लेट पर लिखकर पूछ लीजिए, माँ की पूजा का समय हो रहा है। पर वो नहीं बैठा। बैठता कैसे, वो तो खड़ी थी। जो कुछ उसे पूछना था वो क्या इस नन्ही स्लेट में समा पाएगा? उसने स्लेट पर कुछ नहीं लिखा, दृढ़ स्वर में कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूं बिंदी, जो कुछ हुआ उसे भूलकर मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारा पति हूं बिंदी, ये अधिकार मैंने कभी नहीं खोया है। फिर वो अपनी दुर्बल दलील से स्वयं ही कुंठित हो खिसियाई हंसी हंसा। एक पल को वो उसे उसी मर्म भेदी दृष्टि से देखती रही, जैसे उसकी एक एक पसली का एक्सरे ले रही हो। फिर उसने उसके हाथ से स्लेट उठा ली। एक पल को श्रीनाथ का हाथ उसके हाथ से छू गया। एक एक शिरा झंझना उसे संज्ञा शून्य सा कर उठी, जैसे बिजली का जोरदार झटका लगा हो। अपनी बात कितने कम समय में कितनी सहजता से वो स्लेट पर लिख गई थी। मैंने आज तक जीवन में पराई वस्तु का कभी स्पर्श नहीं किया है, मैं निर्दोष थी। अब मैं जहां हूं वहां से लौटना असंभव है। अब ना मेरा कोई अतीत है, न वर्तमान, न भविष्य। तुम चले जाओ और फिर कभी यहां ना आना। एक बात तो सुनते जाओ, वो पश्मीना किसी प्रेत शैया का दान नहीं था, बाबू ने कश्मीरी फेरी वाले से पूरे 2000 रुपये देकर खरीदा था। उसके पढ़ते ही स्लेट उसके हाथों से लेकर उसने अपनी लिपि अपने ही भगवान आंचल से मिटा दी और पलक झपकते ही अपनी पर्ण कुटी की किसी अंधी गली में खो गई। ठीक ही तो कहा था उसने, 30 वर्ष पूर्व उसने भी तो उसे ऐसे ही सजा दी थी। खबरदार, तो कभी इस
खबरदार जो कभी इस घर की देहरी लांघी। आज किस सहजता से वो अपना प्रतिशोध ले गई थी। अब जाइए महाराज, स्वर्ण दंती सहसा क्या किसी छत से टपक पड़ी थी? चलिए बाहर, उसने ऐसे अशिष्ट स्वर में कहा जैसे कह रही हो नहीं गए तो धक्का देकर बाहर निकाल दूंगी। वो चुपचाप चला गया। कुशावर्त खाट की सीढ़ियों पर वो फिर न जाने कब तक बैठा रहा। गंगा की उग्र तरंगे बार बार सीढ़ियों पर पछाड़ खाती उसके पैरों को भिगो रही थी। जूते उतार उसने उसी शीतल धारा में देर तक नंगे पैर डुबो दिए थे। चमकते जूतों से लेकर दमकता विदेशी सूट, प्रियसी प्रदत्त टाई, ओमेगा घड़ी, सिगरेट का रोस्टेड टोबैको, जामारी फ्रांसीसी घराने की फ्रेंच रोजे गौले, उसकी कंपनी के बहुमूल्य पर्क्स जिन्होंने उसके आंगन में ही कुबेर का छत्र गाड़ कर रख दिया था, सहसा बहते बहते उसी पावन जलधार में सदा के लिए विलीन हो गए। देश विदेश में अपनी योग्यता की विजय पताका फहराने वाला मल्टीनेशनल कंपनी का वो वीर सेनानी सहसा अपदार्थ नगण्य चिर दरिद्र बना उस निर्जन घाट पर आज भिक्षुक बना खड़ा था। उसके आधुनिकतम परमाणु स्पंदित आयुध भी उसे विजय दिलाने में अक्षम रहे। गंगा की लहरों में लहराता एक आटे का जलता प्रदीप उसकी ओर चला आ रहा था। आश्चर्य था कि उन तीव्र तरंगों और तेज हवा के चपेटों में भी वो निष्कंप प्रदीप तैरता चला आ रहा था। सहसा वो एकदम उसके पास तिरता चला आया। उसने हाथ बढ़ाया ही कि उसे छूकर क्षण भर को रोक ले, किंतु उसका हाथ प्रलंबित ही रहा। उसके प्रयास से व्यर्थ वो निष्कंप प्रदीप वेगवती धारा में बहता टिमटिमाता उसकी पकड़ से बहुत दूर चला गया। उसे लगा पकड़ से दूर बहे जा रहे उस निष्कंप प्रदीप के साथ साथ हिमगिरी शिखरों से उतरी उसकी चांचरी भी पर फैलाए लौ को बचाती उसकी पकड़ से दूर चली गई है, बहुत दूर।